कुसुम अपने माता पिता के साथ सड़कों पर भीख मांगती थी। उसने जब से दुनिया में कदम रखा था वो सड़क पर भीख मांगने वालों के बीच ही पली बढ़ी थी। एक दिन कुसुम की माँ सुमति बहुत बीमार हो गई और पैसों की दिक्कत के कारण बिना अच्छा इलाज मिले वो स्वर्ग से धार गई। बापू, माँ हमें छोड़कर क्यों चली गई? आपने उन्हें डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया बापू? क्या करता, मैं कहाँ से पैसे लाता? तेरी माँ की बीमारी का इलाज लाखों रुपए था और हम तो दो वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते मेरी बच्ची। कुसुम खूब रोती है। अगले दिन कुसुम दीनू के साथ भीख मांगने निकलती है। कुसुम बिटिया, आज हम रेलवे स्टेशन पर भीख मांग लेते हैं, यहाँ पर यात्री कुछ ना कुछ तो पकड़ा ही देंगे। बाबा, बहुत प्यास लगी है, पानी पीना है, धूप बहुत तेज लग रही है। पानी की टंकी के सामने वो प्लेटफार्म है, चला जल्दी से लाइन पार कर लेते हैं, अभी कोई गाड़ी नहीं आ रही है। दीनू रेलवे लाइन पार करके सामने वाले प्लेटफार्म पर जाने लगता है। क्या हुआ कुसुम, रुक क्यों गई? जल्दी आ यहाँ, एकदम गाड़ी आ जाती है। बाबा, मेरी चप्पल टूट गई है, वही उतार रही थी। तभी सामने से एक ट्रेन आने लगती है। कुसुम जल्दी चल बिटिया, सामने से ट्रेन आ रही है। अरे मेरा पैर इस पटरी में फंस गया। कुसुम तू सामने से हट जा, मैं नहीं बचूंगा। कुसुम हट जा मेरी बच्ची। दीनू कुसुम को दूर धक्का दे देता है पर वो खुद को नहीं बचा पाता। कुसुम की तो मानो चीख हलक में ही रुक गई। पापा नहीं। कुसुम, अरे लगता है बच गया। ओहो, इसका तो पैर कट गया, इसे रेलवे अस्पताल ले चलो। ट्रेन हादसे में दीनू का पैर कट जाता है और वो अपाहिज हो जाता है। अपने पिता को लाचार अवस्था में देख कुसुम बहुत दुखी होती है। कुसुम, मुझसे चला नहीं जाता मेरी बच्ची, हम आज से यहीं हनुमान मंदिर के बाहर बैठ जाया करेंगे। ठीक है बाबा, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए हनुमान जी का प्रसाद लेकर आती हूँ। कुसुम प्रसाद लेने भीड़ में लग जाती है। सब लोग लाइन में लगो, कोई भी एक दूसरे को धक्का नहीं देगा। ओरी, मैं यहाँ लाइन में आगे लगी थी, मेरी जगह से हट। मेरे बाबा सुबह से भूखे हैं, ये पूरी मैं ले लूँ? चलो, प्रसाद खत्म हो गया। ये आखिरी पूरी मेरी किस्मत की थी, मुझे मिल गई। चल हट, मुझे जाने दे। तो मैं भी हनुमान जी की मूर्ति के सामने अपने आप से वादा करती हूँ, मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगी। मैं इतनी मेहनत करूंगी कि मेरे बाबा को मैं रातों को भूखा नहीं सोने दूंगी। जय बजरंग बली। और फिर झुग्गी में आकर कुसुम सारी रात यही सोचती रही कि उसे कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि वो अपने बाबा को सारी खुशियां दे सके। अगले दिन जब दीनू सो रहा था, कुसुम दीनू से बोली, बाबा मैं थोड़ी देर में आती हूँ, आप आराम करो। पर कुसुम बिटिया, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है? बाबा आप चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगी। कुसुम काम की तलाश में निकल पड़ती है। चलते चलते वो हनुमान मंदिर के बाहर भगवान को याद करके रोने लगती है। हे बजरंग बली, मुझे मेहनत करनी है, खूब पैसे कमाने हैं। बाबा को बोलकर मैं घर से निकल तो पड़ी हूँ, पर मैं यदि अपने कार्य में सफल नहीं हुई तो मैं क्या करूँगी? सारा प्रसाद मंदिर में बंटवा दो, कोई भी रहना चाहे। ये लो बेटी, हनुमान जी का प्रसाद। बाबूजी मेहनत कैसे करते हैं? मुझे मेहनत करके पैसे कमाने हैं, मुझे कोई काम मिल जाएगा? बाबूजी मैं खूब मेहनत करना चाहती हूँ। उस व्यक्ति का नाम मनोहर था। कुसुम उसे अपनी परेशानी बताती है, जिसे सुनकर मनोहर भी बहुत दुखी होता है और वो कुसुम से कहता है, कुसुम बेटा, मेरा नाम मनोहर लाल है। मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ कि तुम एक आत्मनिर्भर लड़की हो और मेहनत करके खूब नाम कमाना चाहती हो। इस कार्य में मैं तुम्हारी यही सहायता कर सकता हूँ कि मैं प्रति मंगलवार और शनिवार इस मंदिर में बजरंग बली के नाम का भंडारा बांटता हूँ। तुम भंडारे के कार्य में मेरी सहायता करोगी तो मैं तुम्हें 200 रुपए एक दिन के दे दूंगा। बोलो, मंजूर है? हाँ बाबूजी, मैं ये काम कर लूँगी। मैं हर मंगलवार और शनिवार को यहाँ भंडारे में काम के लिए आ जाया करूँगी। अब मुझे और मेरे बापू को भीख मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं काम करूँगी बाबूजी, मैं खूब मेहनत करूँगी। और फिर कुसुम घर जाकर सारी बात दीनू को बताती है, जिसे सुनकर दीनू भी बहुत खुश होता है। कुसुम हर मंगलवार और शनिवार को मंदिर में भंडारे के कामों में हाथ बटाने लगी, जिसके बदले में मनोहर उसे 200 रुपए दे देता था। अब दीनू ने भी भीख मांगना छोड़ दिया था। एक दिन, हे बजरंग बली, आपने मनोहर बाबूजी के रूप में आकर मेरी सहायता की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी। कुसुम बिटिया, ये प्रसाद का पत्ता उन्हें दे आओ। दीदी जी, ये लीजिए प्रसाद। थैंक यू बेटा, तुम मेरे लिए ये प्रसाद लाई हो, बड़ी प्यारी बच्ची हो, पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। सुमन बहन जी, ये बच्ची बहुत मेहनती है, मेरे साथ हर मंगलवार और शनिवार को यहाँ पर भंडारे में सेवा करती है। बेचारी बहुत गरीब है और अपने पिता की देखभाल के लिए ये काम करती है। मनोहर सुमन को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सुमन कुसुम की बहुत तारीफ करती है। सुमन कुसुम से कहती है, कुसुम बेटा,
ये बहुत ही अच्छी बात है कि तुम मेहनत करके कमा कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हो, पर इसके लिए तुम्हें पढ़ना होगा, खूब पढ़ाई करनी होगी ताकि तुम विद्या धन पाकर अपने जीवन में खूब आगे बढ़ सको। शिक्षा हमारे जीवन की सफलता के लिए अति उपयोगी और अति उत्तम आधार है। दीदी, मैं पढ़ाई कैसे करूँगी? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगी। अच्छा दीदी, फिर मैं बड़ी होकर जब पढ़ने जाऊंगी तो क्या मेरे बापू के पैर भी ठीक करवा पाऊंगी? यदि तुम अपने बापू के पैर ठीक करना चाहती हो तो तुम्हें एक बड़ा डॉक्टर बनना होगा, फिर तुम अपने पिताजी के पैर भी ठीक कर पाओगी। क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो गई कुसुम? दीदी, अगर मेरी माँ को समय से इलाज मिल जाता तो आज वो जिंदा होती। पर मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं एक दिन बहुत बड़ी डॉक्टर बनूंगी और अपने पिताजी का पैर ठीक करूंगी। मैं पढ़ूंगी दीदी, मैं पढ़ूंगी। और फिर सुमन कुसुम को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है। वो उसे एक सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाती है और कुसुम अब स्कूल की छुट्टी के बाद मंगलवार और शनिवार के दिन मोहनलाल की मदद भी करती थी। दीनू भी कुसुम को स्कूल जाता देख बहुत खुश होता है। धीरे धीरे वक्त बीता, कुसुम अब बड़ी हो गई थी। उसने जुड़े हुए रुपयों से अपने पिता को किराए की परचून और टॉफी बिस्कुट की दुकान खोलकर दे दी थी ताकि दीनू का भी मन लगा रहे। एक दिन, दीदी आज मुझे कॉलेज की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिला है। ये सब उपलब्धियाँ आज आपकी वजह से मुझे प्राप्त हुई हैं। इन सब का श्रेय आपको जाता है। कुसुम, तुमने भी पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई की है। फिर जो मेहनत करते हैं भगवान हमेशा उनका साथ देते हैं। अब एक सफल डॉक्टर बनकर लौटना, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कुसुम अपने पिता दीनू और मनोहर से भी आशीर्वाद लेती है। तुम चिंता मत करो कुसुम, मैं तुम्हारे पिताजी का पूरा ध्यान रखूंगा। अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी, आप बहुत नेक दिल हो। और फिर कुसुम कुछ सालों के बाद एक बड़ी डॉक्टर बनकर लौटती है। सुमन और मनोहर लाल कुसुम को एक बड़ी डॉक्टर बनती देख रो पड़ते हैं और कुसुम को आशीर्वाद देते हैं। कुसुम अपने पिता का ऑपरेशन करके नकली पैर जोड़ती है और ऑपरेशन सफल होता है। मेरी डॉक्टर बिटिया, आज तेरा पिता अपने पैरों पर चल सकता है। हाँ बाबा, आप चल सकते हो, आज मेरी शपथ पूरी हुई बाबा। चलो हनुमान मंदिर चलते हैं, मुझे बजरंग बली को भी धन्यवाद करना है। कुसुम और दीनू हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने माथा टेकते हैं। आज एक मेहनती भिखारिन की झोली बजरंग बली ने खुशियों से भर दी थी। गंज का बस स्टैंड जहां पर रोजाना बसों और सवारियों की भीड़ रहती थी, पर लॉकडाउन की वजह से बसों का आना जाना बंद हो गया, इसलिए लोगों की भीड़ भी खत्म हो गई। बस स्टैंड पर छोटे छोटे खोखे, दुकान वाले और भीख मांगने वालों ने बस स्टैंड को ही रुकने की जगह बना ली थी। सब बहुत परेशान थे। ऐसी ही परेशानी एक औरत को हो रही थी जो फटे हाल कपड़ों में दो दिन से भूखी थी। उसका छोटा बच्चा लगातार भूख से रो रहा था। वो एक किनारे पर बैठी आते जाते लोगों से खाने के लिए पैसों की भीख मांग रही थी। कोई कुछ खाने को दे दो, मेरा बच्चा भूखा है, कोई तो दया करो। तभी एक महिला उसकी झोली में 2 रुपए डाल जाती है। औरत सोचती है, ये कैसे लोग हैं आजकल के जो किसी की मदद करने से पीछे हटते हैं। 2 रुपए में आजकल क्या आता है। भीख मांगने वाली इस औरत का नाम मधु है। मधु एक बहुत ही बड़े खानदान की बेटी है। माता पिता के चले जाने के बाद भैया भाभी ने मधु को कभी भी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। जमीन जायदाद, खुला पैसा, नौकर चाकर, शानो शौकत, सारी सुख सुविधाएं मधु के लिए मौजूद रहती थी। मधु जिस चीज पर हाथ रख दे उसके भैया उसे दिलाकर ही मानते थे। रजत नाम का एक लड़का मधु को चाहता था, इसलिए मधु के आगे पीछे घूमकर बड़ी बड़ी बातें करके वो मधु को प्यार के जाल में फंसाने लगा। मधु, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अगर तुमने मुझसे शादी करने के लिए मना किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। हाँ, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। एक बार हाँ कह दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एक दिन मधु जब रजत के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही होती है, लाल बत्ती पर रजत अपनी मोटरसाइकिल रोकता है। तभी बराबर में मधु के भाई सौरभ की गाड़ी आकर रुकती है। सौरभ मधु को रजत के साथ देख लेता है। शाम को मधु जब घर आती है। मधु, कहाँ से आ रही हो? कॉलेज तो 4 बजे ही खत्म हो जाता है, अभी शाम के 7 बज रहे हैं, इतनी देर कहाँ थी? वो भैया, मैं अपनी एक सहेली के घर गई थी। अच्छा, तो अब तुम झूठ भी बोलना सीख गई हो। अरे, आप भी शुरू हो गए, चली गई होगी सहेली के घर। मधु, चलो खाना खा लो।
उस वक्त सौरभ चुप हो जाता है। अगले दिन वो किसी काम से बाहर जाता है। वो देखता है, अरे ये तो वही लड़का है जो कल मधु के साथ था। ये किससे लड़ाई कर रहा है? अरे दे दूंगा ना यार, भाग नहीं रहा हूँ यार। तेरी मोटरसाइकिल और तेरे पैसे दे दूंगा यार मैं। हाँ यार। अरे यार, एक बहुत मोटी आसामी हाथ लगी है, बस कुछ दिनों में माला माल हो जाऊंगा। ऐसा क्या हाथ मार लिया तूने? हैं? अरे एक अमीर घर की लड़की को फंसाया है, बस एक बार बात बन जाए फिर तो मजे ही मजे हैं। ये क्या, मेरी बहन मधु की जिंदगी इस लड़के से शादी करके बर्बाद हो जाएगी। मुझे मधु को समझाना होगा। सौरभ मधु को समझाता है पर वो सौरभ की एक बात नहीं मानते। मधु, वो लड़का रजत तुम्हारे लायक नहीं है, मैं उसकी असलियत जान चुका हूँ। मैं रजत को जानती हूँ, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। मधु जानती थी कि सौरभ इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं करेगा। वो उस लड़के रजत के झांसे में आ जाती है और एक रात जब सब सो रहे थे वो चुपचाप अपने गहने कपड़े पैसे लेकर रजत के साथ भाग जाती है और दूसरे शहर पहुंचकर वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद मधु को रजत की सच्चाई पता चलती है कि उसने पैसों के लिए मधु को फंसाया था। मधु के पास दो बच्चे छोड़कर और मधु की जिंदगी खराब कर रजत उसे अकेला छोड़कर भाग जाता है। अब मैं क्या करूं? भगवान, इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर मैं कहां जाऊं? मधु दोनों बच्चों की भूख मिटाने के लिए दर दर भीख मांगने लगती है और भीख मांगते हुए बस स्टैंड पर पहुंच जाती है। एक कोने में रोजाना गोदी में बच्चे को लेकर वो भीख मांगती है। बच्चे के रोने की आवाज़ से उसकी याद वापस टूट जाती है। कोई तो पैसे दे दो, मेरा बच्चा भूखा है। रो मत मुन्ना, अभी घर चलेंगे। एक व्यक्ति मधु को बस स्टैंड पर भीख मांगते देख लेता है। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये तो मधु बिटिया है, अपने सौरभ की बहन, पर ये इस हालत में। हे भगवान, मुझे सौरभ को ये बात बतानी होगी। वो व्यक्ति सौरभ को फोन पर सारी बात बताता है। ये सुनकर सौरभ के होश उड़ जाते हैं। वो उसी समय बस पकड़कर वहाँ पहुँचता है। वो मधु के हाथ में 100 रुपए देकर आगे जाकर छुप कर खड़ा हो जाता है और रोने लगता है। मधु मेरी बहन, ये किस हाल में है? ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? अरे 100 रुपए, आज तो तुम्हारे लिए दूध और मोनू के लिए खूब सारा खाना खरीदूंगी। मधु 100 रुपए देखकर खुश हो जाती है। जब वो खाना लेकर घर जाने लगती है सौरभ भी मधु के पीछे पीछे जाने लगता है। मधु खास फूस से बने एक कच्चे घर के अंदर जाती है। अरे माँ खाना लाई हो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मोनू खाना खाने बैठ जाता है। मधु ये देख कर रोने लगती है। मेरे बच्चों, मेरी एक गलती की वजह से आज तुम्हें भी मेरे साथ ये गरीबी का जीवन जीना पड़ रहा है। ना मैं उस वक्त रजत की बातों में आती, ना मेरे ऐसे दिन होते। भैया मुझे आज आपकी बहुत याद आ रही है। भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे अब और नहीं सहा जा रहा। मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। मेरे प्यारे भैया, मरने से पहले एक बार आपकी कलाई में राखी बांध देती। मधु एक रुमाल में बंधी कुछ राखियां निकाल कर हाथ में लेती है। भैया ये राखियां मैंने आज तक संभाल कर रखी हुई है, काश मैं आपको बांध सकती। तो किसने मना किया बहन, बांध मेरी कलाई पर राखी, देख तेरा भैया आया है। भैया, भैया आप आ गए, मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। मधु भाई को राखी बांधते हुए फूट फूट कर रोने लगती है। मधु रोते हुए बेहोश हो जाती है। सौरभ उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर सौरभ से कहता है, मिस्टर सौरभ, इनके शरीर में बहुत कमजोरी हो गई है, शायद इन्होंने पिछले कई दिनों से कुछ नहीं खाया है जिसकी वजह से बेहोश हो गई हैं। कुछ दिन हमें अपनी निगरानी में रखना होगा। सौरभ सुनैना को फोन करके रोते हुए सारी बात बताता है। सुनैना भी रोने लगती है। कुछ दिनों तक मधु हॉस्पिटल में ही रहती है। सौरभ दोनों बच्चों की देखभाल करता है। एक दिन सुनैना के पास रजत का फोन आता है। सुनैना भाभी, मैं रजत बोल रहा हूँ, मधु आपके घर पर ही है ना? सुनैना रजत को सारी बात बताती है। रजत ये सब सुनकर हॉस्पिटल जाता है। सौरभ उसे देखकर गुस्से में आ जाता है। रजत तुम यहाँ, मैं तुम्हें जान से मार दूँ, इससे पहले यहाँ से चले जाओ। मधु मधु, मुझे एक बार तुम्हें सारी सच्चाई बतानी है। भैया इन्हें बोलने तो क्या बोलना चाहते हैं? मधु तुम्हें छोड़कर जब मैं रुपए और जेवर लेकर अपने दोस्त रवि के पास पहुंचा, उसने मुझे धोखा दे दिया। मुझे गुंडों से बुरी तरह पिटवाकर सारे जेवर और पैसे लेकर मुझे सड़क पर फेंक दिया और भाग गया। मुझे सिर में बहुत चोटें आईं। कुछ लोगों ने मेरी जान बचाई और मैं कई दिनों तक बेहोश रहा। फिर जब वापस घर गया तो देखा तुम वहाँ नहीं थी।
मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था, तुम्हें बहुत ढूंढा, आज सुनैना भाभी को फोन किया तो ये सब पता चला। मुझे माफ कर दो मधु, मेरी गलती बहुत बड़ी है, फिर भी मैं चाहता हूँ मुझे एक मौका दे दो सुधरने का। मधु रजत की बातें सुनकर रोने लगती है। बहन की खुशी की खातिर सौरभ भी रजत को माफ कर देता है। मधु को छुट्टी मिल जाती है। वो सौरभ, रजत और बच्चों के साथ सौरभ के घर आ जाती है। सुनैना भी मधु की हालत में सुधार देख खुश हो जाती है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। रजत भी अब काम पर जाने लगा था। मधु और बच्चों को खुश देखकर सौरभ के दिल को तसल्ली मिल जाती है। आखिर एक गरीब मजबूर बहन की भूख अब भूख नहीं रह गई थी। एक भाई के प्यार से बहन का पेट भर चुका था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।